नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच उसका यहां पर रुक कर लेते हैं। तो मंडी से बड़ी खबर, मंडी में जयराम ठाकुर पर गरजे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहत कार्यों पर उठे सवालों का करारा जवाब दिया है, क्षेत्रों से नहीं बनते सीएम, इस बात का जिक्र किया है। तो जयराम ठाकुर से सीएम का सवाल उन्होंने पूछा है, मंडी के लिए क्या किया ये बताएं पहले। तो मैंने पीएम के पास जाकर मांगा अपना हक, मंडी में जयराम ठाकुर पर गरजे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहत कार्यों पर सवालों का करार जवाब दिया है। मंडी की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, क्षेत्रों से मुख्यमंत्री नहीं बनते कि मैं क्षेत्र को मुझे वोट डालो, मुख्यमंत्री आप बने। कोई एक काम बता दीजिए इस क्षेत्र में मुझे जो आपने इस क्षेत्र के लोगों की अच्छाई के लिए किया और गरीब आदमी के लिए किया। ये ठीक है कि आपने सिराज में कुछ काम किया होगा, वो सारी बिल्डिंगें आज खाली है। ऐसा काम मंडी में किया होता उन बिल्डिंगों को तो मंडी में तो लोग ऑफिसों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। इतना बड़ा रेस्ट हाउस बना दिया जहां अभी चलाने को कोई नहीं है। मंडी में अगर शहर में क्या होता, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या होता तो अच्छा होता। हम मंडी के विकास में कोई भी कमी नहीं आने देंगे जिस प्रकार आप जाते विकास में। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को दो संपर्क मार्गों की सौगात दी। इसमें आपको बता दें कि टऊचौला और साथ ही टमरू चौला को जाने वाले दोनों मार्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भूमि पूजन कर दोनों मार्गों का काम शुरू कर दिया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। लिहाजा निचले जो पर्यटक स्थलों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पर्यटकों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आगे कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को अलौकिक सौंदर्य से नवाजा है और कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। तो सड़क से जुड़ रहे अनछुए पर्यटक स्थल सौगातों की राह जो है वो यहां पर आसान हो रही है। सीएम ने संपर्क मार्गों का भूमि पूजन किया। 13.25 करोड़ से बनेंगे दोनों मार्ग का, इंद्रनाग में भी बनेगा संपर्क मार्ग। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। जाखू में मनाया जा रहा दशहरा, जी हां दशहरा का यह महोत्सव, मंदिर कमेटी ने पूरी सभी तैयारियां जो है वो की हैं। मेरठ से आए कारीगरों ने पुतले बनाए हैं। जाखू में मनाया जा रहा दशहरा, ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दशहरे का ये उत्सव जो है, मेरठ से कारीगरों को बुलाया गया है जो कि जिन्होंने इन पुतलों का निर्माण किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आज जाखू में दशहरा मनाया जा रहा है, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। तो जाखू में आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी के इस अवसर पर आज जाखू में दशहरा मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज का यह दिन बेहद खास हो जाता है। मेरठ में कारीगर जो है वो बुलाए गए हैं। 35 का है और 30 का है और ये हर साल बनाया जाता है और इसमें 20 दिन लग जाते हैं बनाने में, 20 से 15 दिन लग जाते हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के दौरे पर रहे जहां पर उन्होंने दुर्गा पूजा उत्सव में शिरकत की और सपरिवार मां भगवती का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि बिलासपुर के अधौलरा मंदिर में चल रहे दुर्गा उत्सव के 9वें दिन मां भगवती की तांत्रिक पूजा अर्चना की गई जिसके बाद कन्या पूजन और हवन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा, दुर्गा पूजा के विसर्जन में करेंगे शिरकत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धौलरा मंदिर के दुर्गा उत्सव में शिरकत की है, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। धौलरा मंदिर के दुर्गा उत्सव में शिरकत की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिलासपुर से आ रही है, दुर्गा पूजा के विसर्जन में शिरकत करेंगे तो धौलरा मंदिर के दुर्गोत्सव में शिरकत की है जेपी नड्डा ने, जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और मैनेजर विश्वन सिंह बेदी का आकस्मिक निधन हो गया है। खेल जगत में शोक की लहर है, लिहाजा खेल और राजनीतिक जगत से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच एचपीसीए स्टेडियम में मौजूद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वन सिंह बेदी का एचपीसीए स्टेडियम के साथ गहरा लगाव रहा, यहां पर वो अक्सर कैंप लगाया करते थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, विश्वन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। ये बहुत दुखद समाचार है, क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो इसी धर्मशाला स्टेडियम में वो शुरू से ही बहुत सारे कैंप्स उन्होंने यहाँ पर भी लगाए, और जब ये स्टेडियम नया बना ही था तो अपने 2 साल लगातार कैंप्स यहाँ पर लगाते रहे। यहीं जो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है यहीं पर वो रुकते थे, कहीं होटल भी नहीं जाते थे, ग्राउंड में ही रहना, यहीं से प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाना। और इससे पहले वो हिमाचल के चैल में आकर अपने कैंप्स लगाते थे। हालांकि पंजाब दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिमाचल की ओर कैंप्स का रुख किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, और लेकिन अब यहां के नगर परिषद के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप की एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने कमलेंद्र कश्यप को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलेंद्र कश्यप ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा उन्होंने बीजेपी की कोई भी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी और न ही भाजपा का कोई फॉर्म भरा हुआ था, बस पार्टी नेताओं के साथ विवाद के चलते उन्होंने पार्टी से दूरियां बनाई हुई थी। इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी थी गुस्से में आकर, परंतु अब जब हमें लगा कि वास्तव में ही जो जहां क्योंकि जिस परिवार में हमने इतना समय दिया है उतना समय शायद हम और संगठनों में ना दे पाए, तो हमें लगा कि वास्तव में हमें अपने परिवार में अपने उसमें ही जहां इतना समय हमने दिया है वहीं हमें जाना चाहिए। और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एनआईटी हमीरपुर के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मामले में सामने आया ड्रग्स एंगल, ये बड़ी खबर आ रही है। छात्र ने ली थी ड्रग की ओवरडोज जिस वजह से उसकी मौत हुई है। पड़ताल में सामने आई है ड्रग लेने की बात जानकारी मिल रही है। पड़ताल में हॉस्टल से बरामद हुए हैं ड्रग्स, ये बड़ी खबर। घटना के वक्त चल रहा था कॉलेज फेस्ट और ड्रग्स का मामला, एनआईटी हमीरपुर के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। तो एनआईटी हमीरपुर के छात्र की मौत का ये बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की मौत हुई थी, लेकिन जांच में पता चला है कि ड्रग की ओवरडोज के चलते दरअसल छात्र की मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि हॉस्टल में से ड्रग भी मिला है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से जांच का दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। मामले में ड्रग्स एंगल सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र ने ड्रग की ओवरडोज ली थी, पड़ताल में सामने आया कि ड्रग्स लेने की बात यहां पर सामने आई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, बता दें आपको एनआईटी हमीरपुर के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद जब जांच हुई तो ये सब जानकारियां सामने आई। सुजल शर्मा मेरा बेटा एनआईटी में यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, एमटेक की, रोड ट्रांसपोर्ट उसका डिपार्टमेंट था, और
रात को 9 बजे के बाद मेरी उससे वीडियो कॉल पे बात हुई, किसी अपने फेस्ट में वो कार्यक्रम में था, और उसके बाद जैसे हम रोज सो जाते हैं वैसे ही सो गए, और सुबह जब यहाँ से फ़ोन आया तो पता चला कि वो बहुत बीमार है, नाजुक स्थिति में है, तो कृपया आप यहाँ पर, किसी बच्चे ने फ़ोन किया तो मैं यहाँ पहुँचे तो देखा तो जिस हालत में मेरा बच्चा था उसमें मैं बोलता हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, जो मेरे बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ऐसा किसी और के साथ ना हो। 4 बजे के करीब इसके फ़ोन में फ़ोन आया, इसके मोबाइल के ऊपर इसको फ़ोन आया है, 4 बजे किसका फ़ोन आया, क्यों इसको बुलाया गया, किसके कमरे में क्या करने गया। 4 बजे अगर उठ के कोई बच्चा जाता है तो हॉस्टल वार्डन NIT प्रशासन क्या करता है। अशोक राणा संवाददाता हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, NIT हमीरपुर के छात्र की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि ड्रग्स की ओवरडोज के चलते मौत हुई है। सवाल यहां पर यह कि ड्रग्स इस हॉस्टल के अंदर पहुंचा कैसे, और जो परिवार का आरोप है हॉस्टल वार्डन पर भी, उस पर अभी पुलिस क्या कुछ जांच कर पाई है? बिल्कुल, देखिए जी, जो NIT में जो छात्र ने ड्रग्स की ओवरडोज ली है उसको लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, सवाल यहाँ ये है कि जो शिक्षण संस्थान है कि इसमें चिट्टा किस तरह से पहुंचा है, इसके ऊपर भी पुलिस जो है हर पहलू का, जो हर स्टूडेंट से जो है पूछताछ कर रही है कि यहाँ पे ये चिट्टा किस तरह से पहुंचा है। जी अशोक, यहाँ पर जो NIT प्रबंधन है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? NIT प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियली नहीं आई है, पर लेकिन फोन के माध्यम से जो हमने डायरेक्टर से बात की थी तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस बारे में अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है, पर इसकी जो है एक कमेटी गठित की जाएगी और इसकी पूरी जांच की जाएगी, और जो दोषी होगा उन छात्रों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। जी अशोक, परिवार का कहना है कि देर रात तक हिल फेयर जो है, जो वहां पर फेस्ट चल रहा था वो चलता रहा, सुबह 4 बजे तक यहां पर DJ भी चलता रहा। परिवार का कहना है कि उनकी रात को उनके बेटे से बात भी हुई थी, लेकिन सवाल यहां पर ये कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ, और हॉस्टल में CCTV भी लगे होंगे, क्या उसे भी पुलिस अपने साथ ले गई, उसके DVR को भी साथ ले गई है? बिल्कुल सही बोला आपने, ये जो हॉस्टल के जो वार्डन है और जो सिक्योरिटी के जो व्यक्ति मौजूद थे उस समय, उन सबको जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है कि, और जो लड़का था जो छात्र जिसकी जो ओवर ड्रग्स से जो मौत हुई है, उसका जो साथ में जो रूम पार्टनर था उससे हमने बात की तो उसने ये बताया कि पहले जो है लड़का इस तरह का कोई काम नहीं करता था, लेकिन अचानक वो सुबह बीते रोज जो है अचानक से 2 घंटे के लिए उसको किसी का फोन आता है और वो फोन सुनने के बहाने बाहर निकल जाता है। उसके 2 घंटे बाद जो है वो हॉस्टल में पहुंचता है, उसके बाद जो है उसकी लाश जो है 8 बजे जो है बिस्तर पर पड़ी मिलती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊना में आज से ऑल इंडिया लॉयर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जो कि आगामी 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसी आयोजन को लेकर ऊना में हिमाचल प्रदेश लॉयर्स टीम और लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की ओर से एक प्रेस वार्ता भी की गई है, जिसमें की जानकारी दी गई कि ऑल इंडिया लॉयर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इस 5वें संस्करण में देश भर की 11 हाईकोर्ट्स की टीम और साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट की टीम भाग लेगी। इसके उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश संदीप शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शुभारंभ करेंगे। ये ऊना के अंदर 24 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका ये 5वां एडिशन हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये इसमें कुल 12 टीमें पूरे इंडिया से भाग लेती हैं और हर साल एक स्टेट को होस्ट करने का मौका मिलता है। तो 5वां जो एडिशन है इसका, इसको होस्ट हिमाचल प्रदेश लॉयर्स टीम कर रही है। पिछले साल ये उड़ीसा में हुआ था, उससे पिछले साल ये लखनऊ में हुआ था, उससे पिछले साल ये नोएडा में हुआ था, और उससे पिछले पहला एडिशन जो है वो गुड़गांव में इसका हुआ था।
उधर आपको बता दें कि सोलन में लगे दो पीएसए प्लांट अब सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। दरअसल इन प्लांट्स को सालाना देखभाल के पैसे न चलने के चलते दरअसल बंद कर दिया गया है। ये प्लांट्स प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना काल में लगवाए गए थे और अब इन प्लांट्स के बंद हो जाने से स्वास्थ्य विभाग बाहर से ऑक्सीजन खरीदकर मरीजों को दे रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए करोड़ों के ऑक्सीजन प्लांट्स को प्रदेश सरकार ने कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ वर्ष पहले जो वैश्विक बीमारी आई थी उसमें ये माना गया कि ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की और भारतवर्ष में हर जिले में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भेजे गए। सोलन का भी सौभाग्य रहा, सोलन और अर्की के अंदर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के में ये दो ऑक्सीजन प्लांट आए थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को कोसने के अलावा कोई काम नहीं किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।